असल में दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम आपको इस तरह की फ़ोटो एडिट करके दिखाने वाले हैं, अपना फ़ोटो लगाकर। ये नहीं कि हम बस टेक्स्ट चेंज कर देंगे ऐप की मदद से, हम पूरी अपनी सारी डिज़ाइनिंग खुद करेंगे जिन्होंने इस तरह की पहले ऑलरेडी की हुई है। फ़ोटो भी हमारा आल टेक्स्ट आल डिज़ाइनिंग भी हमारी होगी। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, किस तरह करना है सब कुछ। सबसे पहले दोस्तों मैं बैग जाता हूँ, मैं एक फ़ोटो इम्पोर्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक जो मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों। ठीक है गाइस, हम कोई भी एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले जाकर मैं यहाँ से ना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँ, तो गाइस मैंने चूज़ कौन सा करूँ फ़ोटो, तो गाइस मैंने ये वाला फ़ोटो चूज़ किया आपके सामने। कौन सा करूँ कौन सा, वो मिला भी नहीं जो मैंने करना था। तो फ्रेंड्स ये वाला मैंने फ़ोटो चूज़ किया, तो अब हम करते हैं डिज़ाइनिंग इस पर। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक ये लेना है डिज़ाइन, ठीक है, और एक आपने लेना है यहाँ से ये वाला। उसके बाद गाइस ये सिलेक्ट कर लें। ईद मुबारक का हमारे पास ये पड़ा है, एक ये है, तीन ये। इतना करने के बाद उसमें इसे भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद हमारे पास और डिज़ाइनिंग तकरीबन नहीं है, यही है जो हमने सेलेक्ट कर लिए। एक बार ओके करें। सबसे पहले इसे आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, मैं आपको बता दूँ। सबको बिल्डिंग में जाकर बिल्डिंग में स्क्रीन करना है सबको, पहले तो आपने मैं सबको बारी बारी कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब हो चुके हैं, इसे हमने यहाँ से सेट करना है इस तरह, इसे हमने यहाँ पर रखना है, इसे हमने थोड़ा सा इस तरह का इंक्रीज करना है यहाँ पर, और जो इसका साइज है थोड़ा डी इंक्रीज करना है। ओके गाइस, यहाँ पर रखना है, ईद मुबारक हो गया। अब रहा हमारा ये, इसे भी हमने इसी तरह बॉडी में जाकर स्क्रीन करना है, और पहले इसको सीधा करना है, फिर इसको हमने बड़ा करना है। ओके, फिर हमने यहाँ पर इसे रखना है, और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये यहाँ पर। ओके, अब हमने इसे सेलेक्ट करना है, और इसे थोड़ा डी इंक्रीज करना है, फिट करना है यहाँ से इसके जो साइज़ यहाँ पर। ओके, इसे आपने रखना है यहाँ पर। इतना करने के बाद गाइस क्या करना है आपने, अब जो इसका रिक्टेंगल है इसे आपने इस तरह डी इंक्रीज करते हुए खींच कर बड़ा करना है। आपने इसे यहाँ पर ओके कर देना है। इतना करने के बाद जब ये लाइन रखनी है दोस्तों, इसे भी हम थोड़ा और डी इंक्रीज़ करते हैं, छोटा करते हैं यहाँ पर। ओके, तो तकरीबन इतना ओके होने के बाद एक बार आपने यहाँ से ओके कर लेना है। दोबारा फिर फ़ोटो में आना है, फोटो में आने के बाद गाइस आपने नीचे आ जाना है, एक ये सेलेक्ट कर लें, एक ये सेलेक्ट कर लें, और एक ये, बस तकरीबन ओके है। इसके बाद हमारे पास और कोई नहीं फाइल, इसे हमने करना है इस तरह से स्क्रीन बल्टी, इसे करना है हमने स्क्रीन। इसे करना है हमने स्क्रीन, इसका साइज डी इंक्रीज करना है, इसे हमने यहाँ पर एडजस्ट कर देना एक बार, और हमने इसे हमने उठाकर साइज बढ़ाकर यहाँ पर रखना है। ओके, और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है आपने एक, और आपने इसे इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर रख देना है।
इसे आपने यहाँ एडजस्ट करना है, ये देखें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपने जो ये वाला टैक्स है और ये आपने इधर रखना है, एडजस्टमेंट करने आसान काम नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर ओके ओके, ये ओके हो चुका है हमारा। अब हमने इसे एडजस्ट कर लेना है, ये देखें ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप क्या करना है आपने, एक बार मैं आपको बताता हूँ, कट कर दें इसे, इसे लेकर आ जाएं, एडजस्ट करें तो पर करना है तकरीबन, ठीक है ओके। इसे लेकर आए, इसे रख दें यहाँ से तकरीबन ओके, ओके हो गया। ओके करें एक बार, यहाँ से दोबारा फिर जाएं फाइल में, बस तो ये है। अब आप लेकर आए वो ये वाला स्टाइल, ओके। यहाँ पर ऐड करें, इसे आपने साइज डे इनक्रीज करें, और यहाँ पर आकर इफेक्ट में बल्ट में मल्टी डार्क ओके करके यहाँ पर हम इसको जो है ना कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम इसका कलर चेंज नहीं करते, ऐसे ही ओके है। साइज और थोड़ा डील चीज़ कर लें इसका, तकरीबन यहाँ पर ओके ही है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपने, ऐसे यहाँ पर अपना टैक्स टाइप करना है, बशीर सियाल ओके। ये देखें मैंने टाइप किया है अपना नाम, आप फाउंड देख सकते हैं अपने हिसाब से, देखें ये फाउंड मैंने डाला है। और यहाँ स्ट्रोक में आने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक स्ट्रोक इसे दे सकता हूँ इजीली, बट हम इसे में कोई नहीं दे, कुछ भी नहीं देते गाइस, सिंपली यहाँ से ओके कर देते हैं। तो हमारी जो डीपी है दोस्तों तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर भी दे सकते हैं, और भी इसे अमेजिंग बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।